हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे ये यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन बताता हूँ। और ये जो सारे प्रेडिक्शन होते हैं वो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पर होते हैं। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने जो इक्विटी एडवाइज़र है सेबी रजिस्टर्ड, उनसे आप संपर्क करें, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था दो वीक पहले, मतलब 7 या 8 अप्रैल को, कि आपको कुछ भी बाय करना है तो 20 से 30 तारीख के बीच में एक करेक्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 20 तारीख को ही, मतलब लास्ट वीक ही, एक करेक्शन आ गया। उसके बाद में मार्केट एक रेंज में फंसा रहा, फिर 2-3 छुट्टियाँ आ गई बीच में। SGX निफ्टी बहुत लोगों ने 14,000 भी देखी पर आई नहीं। उसके बाद में मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको कुछ भी परचेस करना हो तो 26, 27 और 28 अप्रैल को स्पेशली फ्रंटलाइन बैंकिंग शेयर्स परचेस करें, ठीक है। पुराना जो वीडियो मैंने बनाया था बैंकिंग शेयर पे, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 26, 27, 28 अप्रैल सबने देखा क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ, आग लग गई। जो बैंकिंग सेक्टर लास्ट टू लास्ट वीक, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में किसी को लेना नहीं था, आज सबको लेना है। मतलब किसी को ICICI बैंक 575 पे नहीं लेना था, बट आज सबको 615 पे लेना है 630 के टारगेट के लिए। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि, और ये रिटेल साइकोलॉजी है कि ट्रेडिंग इज़ लाइक अ बिजनेस। जो आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बिजनेस की तरह। बिजनेस में कैसा होता है कि आप रॉ मटेरियल जो होता है वो सस्ते में परचेस करते हो और उसमें से प्रोडक्ट बना के आप महंगे में सेल करते हो। ट्रेडिंग इज लाइक ऑल्सो बिजनेस। समझो सबको 615 पे 630 के टारगेट के लिए लोगे, रिस्क रिवॉर्ड आप देख के ट्रेडिंग करिए। अब आपके लिए रिस्क नीचे में 580 और ऊपर में रिवॉर्ड सिर्फ 630, मतलब 15 रुपये। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैनेजेबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई थोड़ी ज्ञान, थोड़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव बात है। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या होगा। तो 26, 27, 28 जो मैंने आपको बैंकिंग शेयर्स फ्रंटलाइन बाय करने के लिए कहा था, तो अपने को रहना ही है बाय में। और जो भी आपका प्रॉफिट है, मतलब जो भी अभी आपने लिया है, जैसे कि अगर समझो आपने मंडे को ही बाय किया, तो 3 दिन में बैंक निफ्टी जो है वो 8% चला। मतलब सारे के सारे बैंकिंग शेयर्स जो है वो 5 से 6% तो गेन किया ही है, ठीक है। अब ये मई, जून, जुलाई का आप देख रहे हैं कि मैंने एक फ्लिप ऐड किया है, वो क्यों किया है। अब दोस्तों होने क्या वाला है कि सबको पता है कि 2nd of May को मतलब रिजल्ट आने वाला है वेस्ट बंगाल और आसाम का, सब मतलब इलेक्शंस का। वो सब बोल रहे हैं मार्केट पे ये इम्पेक्ट होगा, वो इम्पेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहली तारीख से, जैसे कि कोई भी प्लेनेट है, जैसे कि मैंने पिछले बैंक निफ्टी वाले वीडियो में बताया था कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर होता है उसका कारक होता है मर्क्यूरी, बुध। बुध अगर अच्छा है तो फाइनेंस अच्छा है। किसी का भी होरोस्कोप निकालोगे ना, उसमें अगर आपको मर्क्यूरी अच्छा दिखेगा, इसका मतलब बंदे का फाइनेंशियल बहुत अच्छे है। तो बुध जब अच्छा होता है धीरे धीरे करके, तो फाइनेंशियल्स, देश के फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में तेजी लाता है, ठीक है। तो वो 1st of मतलब मई से वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रहा है। तो उसने एक वीक पहले से क्या है कि उस तरफ पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू किया, तो उसने इफेक्ट दे दी। इसलिए मैंने एग्जैक्टली एक वीक पहले लेने का बोला था, ठीक है। 1st of May को छुट्टी है, पर उसके एग्जैक्ट एक वीक पहले 26, 27, 28 तारीख को, मतलब मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे में ही आपको अच्छा मुनाफा हो गया बैंकिंग शेयर्स में। आप इसको होल्ड कर सकते हो। आगे का स्ट्रेटजी ये है कि 7 मई से लेके 7 मई से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है 100%। अगर आप क्योंकि लीवरेज लिया हुआ है या ऐसा कुछ कॉल लिया हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी है,
तो आपको 100% प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। आपको री एंटर कब करना है? 27 मई 2021 को। 27 मई 2021 को आप री एंटर करेंगे बाय में फ्रंटलाइन शेयर सी, सिर्फ और सिर्फ फ्रंटलाइन, जो आपकी इच्छा हो फ्रंटलाइन में, ठीक है। 27th of May, 27 मई 2021 से 4 जून 2021 इसके बीच में आपको परचेस करना है। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, 27 मई 2021 से 4 जून 2021 के बीच में आपको सारे फ्रंटलाइन शेयर, जो भी आपको पसंद हो सिर्फ फ्रंटलाइन आपको परचेस करना है। आप खुद देखेंगे जून जुलाई आपको होल्ड ही करना है, कितना आउटस्टैंडिंग रिटर्न मिलता है आपको, पहली चीज। दूसरा, हम अभी निफ्टी में 14,880 के आसपास है आज के दिन में, मतलब आज 28th of April को, ये निकल के जाएगा 16,000-16,500। ओवरऑल इस साल मार्केट बहुत अच्छा रहने वाला है, पर ट्रेडर्स को क्या रहता है कि दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी दिला दूँ। आपको ये भी बता दूँ कि आपको 7 तारीख को सारे लॉन्ग्स में से निकल जाना है, सारे लॉन्ग पोजिशन ख़त्म करना है। 7 मई से लेके 23 या 25 मई तक एक करेक्शन आएगा, ठीक है। तो आपको 27 मई तक का वेट करना है बाय करने के लिए, और 27 मई से 4 जून के बीच में आपको फिर से जो भी आपको इच्छा हो बाय करने की वो बाय करना है। दिस इज फॉर ट्रेडर्स। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टर है तो आपको ये साल बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा। अगर आप ऐसे ट्रेडर है कि मैं बाय करके रखना चाहता हूँ, तो आप बाय करिए, 5-7% करेक्शन आए तब बाय करिए, तो आप एवरेज आउट करिए, उसके बाद में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ये साल पूरे साल स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी है, आप सोच नहीं सकोगे उतनी तेजी है आगे, सिर्फ आप ये 4 जून जान दो आप, उसके बाद आप खुद बोलोगे कि नहीं, मतलब मैं आपको 1 महीने पहले बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आपने जो भी अभी स्टॉक्स परचेस किए हैं बैंकिंग के खास, तो आपको इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है 7 मई 2021 के पहले ही। उसके बाद में आपको री एंटर करना है 23 या 27 तारीख से 4 जून के बीच में, ठीक है। और वो आप होल्ड ही करिए, आप खुद देखेंगे कितना अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, और आराम से निफ्टी आपको 16,000-16,500 ही बताएगा जून जुलाई जुलाई की तक, और उसके बाद में और भी तेजी है। उसके बाद क्या करना है, किस तरीके से इस मार्केट में सर्वाइव करना है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें। ये बहुत हिडन इन्फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन टोटली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, उस पर मैं देखिए ये चीज़ डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच, और टेक केयर। मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। थैंक यू।